बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोग दो पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन इज पेंशन एंड नंबर टू इज ग्रेच्युटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो स्टार्ट करते हैं जी सबसे पहले पेंशन से। पेंशन है क्या चीज़? जब आप किसी कंपनी से रिटायर होते हो, आमतौर पर गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, तो अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक खास अमाउंट पे करेगी आपकी डेजिग्नेशन की बेस पे, आपकी सर्विस की बेस पे, आपकी पोस्ट की बेस पे, तो वो हर महीने जो अमाउंट मिलती है वो पेंशन के नाम से रिसीव होती है। अब आपको जब भी पेंशन रिसीव हो, अगर आपको लिखा हुआ आ जाए पेंशन रिसीव्ड, तो आपको पेंशन चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से मिले, चाहे पेंशन आपको प्राइवेट सेक्टर से मिले, आप जितनी भी अमाउंट होगी पेंशन की आप इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट, पेंशन रिसीव फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट। नंबर टू, अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिले, मोर देन वन पेंशन, अगर कोई शख्स एक से ज्यादा पेंशन रिसीव कर रहा है, तो जाहिर है अगर एक से ज्यादा पेंशन रिसीव कर रहा है, टू पेंशन रिसीव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको टू अमाउंट्स गिवन होगी। आप क्या करेंगे? जो आपको हायर अमाउंट गिवन होगी इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे और लोअर अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। दोबारा सुन लें, अगर कोई शख्स एक से ज्यादा पेंशन रिसीव कर रहा है तो हम हायर वाली पेंशन की अमाउंट को एग्जेम्प्ट करेंगे और लोअर वाली पेंशन की जो अमाउंट होगी उसे टैक्सेबल कर देंगे। आमतौर पे जो क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं एक सेक्टर से, तो उनकी सर्विसेज को अक्वायर कर लिया जाता है किसी दूसरे सेक्टर के लिए भी, तो वो एक जगह से रिटायर होते हैं वहाँ से पेंशन मिलती है, इसी तरीके से वो दूसरी जगह से रिटायर होते हैं कुछ अर्सा सर्व करने के बाद तो वहाँ से भी पेंशन मिली, तो ऐसे एक शख्स को दो पेंशन भी मिल सकती हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज, अगर आप रिटायरमेंट के बाद उसी कंपनी में अगेन जॉब स्टार्ट कर दो, बाज दफा ऐसा होता है आप कंपनी से रिटायर हुए, आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई, ये पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट है, लेकिन कंपनी ने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप कंपनी को टेम्परेरी बेस पे वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए, एक दो साल के लिए रीज्वाइन कर लें, या आपको जरूरत थी, आपने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मैं कंपनी को रीज्वाइन करना चाहता हूँ, आफ्टर रिटायरमेंट आप ये बात कर रहे हैं, कंपनी में हैर बाहर कोई भी सूरत है, चाहे आपने रिक्वेस्ट की या कंपनी ने आपको बोला, आपने कंपनी को कुछ अरसे के लिए रीज्वाइन कर लिया, अब जो आपको पेंशन मिलेगी ये आपकी टैक्सेबल होगी। अगर आप रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसी कंपनी में जॉब करें तो पेंशन क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। वर्किंग फॉर सेम एम्प्लॉयर, सेम एम्प्लॉयर मीन आप उसी कंपनी में उसी एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट, तो अब आपको सैलरी भी मिलेगी पेंशन भी मिलेगी। सैलरी तो होती ही टैक्सेबल है, लेकिन अब आपकी पेंशन भी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। तो ये तीन पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं। अगर पेंशन रिसीव लिखा हुआ आ जाए, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर आपको पेंशन की टू अमाउंट्स दी हो, तो मतलब आपको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है, तो आप हायर अमाउंट ऑफ पेंशन को एग्जेम्प्ट कर देंगे या लोअर अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसी कंपनी में जॉब करते हो किसी भी रीजन से, तो अब आपकी पेंशन क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। नाउ सेकंड टॉपिक इज ग्रेजुटी आर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब है कि आप रूटीन में पेंशन रिसीव करते हो हर महीने, और आपने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मैं अपने कुछ पेंशन गिव अप करता हूं, उसको इकट्ठा करके आप मुझे ग्रेजुटी की सूरत में लमसम अदा कर दे हर महीने अदा करने के बजाय। आप सारी पेंशन भी गिव अप करके इकट्ठी रिक्वेस्ट करके विदड्रॉ कर सकते हो ग्रेजुटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के नाम पे, या पेंशन का कुछ हिस्सा भी आप विदड्रॉ कर सकते हो। बहरहाल अगर आप विदड्रॉ करोगे तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं। अगर तो आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हो
गवर्नमेंट सेक्टर से, तो ये ग्रेजुटी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। आपको लिखा हुआ आएगा ग्रेजुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जितनी भी अमाउंट गिवन होगी एग्जेम्प्ट कर देंगे। सेकंड, अगर आप ग्रेजुटी रिसीव कर रहे हो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब इसमें दो केसेस आ जाएंगे। नंबर वन, इफ ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड एंड नंबर टू, इफ ग्रेजुटी इज नॉट अप्रूव। ओके, अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर में और आपकी कंपनी ने ग्रेजुटी की अप्रूवल ली हुई है, तो ये ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड है, और अगर अप्रूवल नहीं ली हुई टैक्स वालों से, टैक्स डिपार्टमेंट से, एफपीआर से, तो ये ग्रेजुटी इज नॉट अप्रूव्ड है। तो पहला केस देखते हैं, ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड में आगे फर्दर दो केस होंगे। अगर वो कहे ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड बाय CIR, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, अगर ये स्टेटमेंट आपको ग्रेजुटी के साथ लिखी हुआ आ रही है कि ग्रेजुटी रिसीव्ड अप्रूव्ड बाय CIR, तो जितनी अमाउंट होगी आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख गिवन है, तो आप इस 5 लाख को एग्जेम्प्ट कर देंगे, मैंने अमाउंट सपोज किए। और अगर आपको लिखा हुआ आ जाए अप्रूव्ड बाय, प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुटी है और लिखा हुआ आ जाए ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड बाय FBR, तो फिर आपने एक खास अमाउंट तक इसको एग्जेम्प्ट करना है। ये होगा जी एग्जेम्प्ट अप टू ₹3 लाख, मतलब ग्रेजुटी अप्रूव बाय FBR आए तो टैक्स ने यहां पे एक लिमिट पुट कर दी कि अगर ग्रेजुटी आपने FBR से अप्रूव करवाई है तो अप टू 3 लाख की एग्जेम्प्ट होगी। पेपर पॉइंट से मैंने आपको टिप बताई, टेक्निकली इसके अंदर और भी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। अगर आपको लिखा हुआ आ जाए अप्रूव बाय CIR, सारी अमाउंट एग्जेम्प्ट कर दें, और अगर अप्रूव बाय FBR आ जाए तो जितनी अमाउंट है उसमें से 3 लाख को एग्जेम्प्ट कर दें, मतलब जितनी अमाउंट गिवन है उसमें से 3 लाख माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 लाख गिवन है तो लिमिट कितनी है अप्रूव बाय FBR की सूरत में, 3 लाख, तो 3 लाख माइनस कर दें, बाकी 2 लाख विल बी टैक्सेबल। मतलब जितनी अमाउंट गिवन होगी आप अप्रूव बाय FBR की सूरत में 3 लाख माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रेजुटी के अमाउंट 10 लाख गिवन है, 3 लाख माइनस कर दें, 7 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। आपको ग्रेजुटी की अमाउंट 15 लाख गिवन है, 3 लाख माइनस कर दें, 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। आपको 3 लाख की गिवन है कि कंपनी ने ग्रेजुटी की अमाउंट पे ही 3 लाख की है, तो सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब इफ ग्रेजुटी इज अप्रूव्ड बाय FBR इट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू ₹3 लाख। नाउ लास्ट सिचुएशन, इफ ग्रेजुटी इज नॉट अप्रूव, तो जो से देखिएगा अगर ग्रेजुटी अप्रूव नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस ग्रेजुटी की अमाउंट को जितनी अमाउंट दी होगी इनर कॉलम में लिख ले। फर्ज करें आपको 5 लाख गिवन है, आपने 5 लाख को इनर कॉलम में लिख लेना है। फिर यहां पे आपने एक रूल अप्लाई करना है, फिक्स अमाउंट की हुई है नॉट अप्रूव की सूरत में टैक्स लोन है ₹75,000, या फिर जितनी ग्रेजुटी मिल रही है उसका 50% ऑफ ग्रेजुटी, विच एवर इज लेस। अब देखें आपको ग्रेजुटी 5 लाख मिल रही है तो 50% लेंगे 5 लाख का, तो ये आएगा 2,50,000। तब आपके पास 2 अमाउंट्स आ गई, एक ये लिमिट पुट की हुई है टैक्स लो ने नॉट अप्रूव की सूरत में, और दूसरी परसेंटेज पुट की है, उसका आंसर हमारे पास आया 2,50,000। जो लेस अमाउंट है हमारे पास 75,000, ये आप क्या कर देंगे एग्जेम कर देंगे ग्रेजुटी की अमाउंट में से, और जो बाकी बचेगा 4,25,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से फर्ज करें आपको ग्रेजुटी के अमाउंट गिवन है 3 लाख, अगेन आप क्या करेंगे वही कंपैरिजन 75,000
या 50% आप किसका लेंगे, 3 लाख का। जब 3 लाख का 50% लेंगे तो ये आएगा 1,50,000। नाउ दो आंसर आ गए आपके पास। अगेन लेस अमाउंट कौन सी है, 75,000, तो ये माइनस कर देंगे, 2,25,000 टैक्सेबल। मतलब ये हुआ कि नॉट अप्रूव की सूरत में आप क्या करेंगे, 75,000 ये लिमिट फिक्स याद रखिएगा, और 50% लेंगे जितनी अमाउंट आपको गिवन है इफ जीएसटी इज नॉट अप्रूव। 50% का आंसर इसको कंपेयर करेंगे 75,000 में से, और इनमें जो लेस अमाउंट होगी वो आपने क्या करनी है, ग्रेच्युटी के मोड में से माइनस कर देना, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।